गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज आर्यन्द्रपाल गंगवार, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। आई टीच यू प्रोनाउन, क्लास फिफ्थ का जो चैप्टर हमारा प्रोनाउन जिसे कहते हैं सर्वनाम, वो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नाउन मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, आप पढ़ाता हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन डेफिनेशन है इसकी, आ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अंडरस्टैंड? एज एग्जाम्पल, मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज ए गुड प्लेयर, वी प्ले टूगेदर, दे आर माई क्लास फेलोज। इस ये जितने एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं कि मोहन इज माई फ्रेंड, तो मोहन का यूज किसके लिए किया गया? माई के लिए किया गया। माई, मोहन किसका मित्र है? मेरा मित्र। तो प्रोनाउन क्या हो गया? माई। मोहन का यूज किसके लिए? नाउन का यूज, प्रोनाउन मतलब यह है कि मोहन का यूज माई के लिए किया गया। ही इज ए गुड प्लेयर, ही क्या है? ही यहाँ प्रोनाउन है ना। वी प्ले टूगेदर भी प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी आई यू वी दे ही सी इट और किसी का नेम होता है, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब है कि जैसे यहाँ पर माई का यूज किया गया, ही का यूज किया गया, बी का यूज किया गया, दे का यूज किया गया, ये सभी क्या हैं? ये सब प्रोनाउन है हमारे। यानी इन अबव सेंटेंस दैट बोल्ड वर्ड्स माई ही वी दे आर प्रोनाउन। जितने भी हमारे जो ब्लू इंक से लिखे गए हैं, या मतलब जिसमें ये जो एग्जाम्पलों में, ये सब हमारे प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब जो है, प्रोनाउन तीन तरह के पर्सन होते हैं प्रोनाउन के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीन टाइप के हमारे प्रोनाउन होते हैं, तीन तरह के पर्सन होते हैं। लेकिन बात आती है उससे पहले कि प्रोनाउन होते कितने टाइप के हैं। प्रोनाउन हमारे फाइव टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? हाउ मैनी टाइप ऑफ प्रोनाउन? तो आप बताएंगे फाइव टाइप। नंबर वन पर्सनल प्रोनाउन, नंबर टू डोमिस्टेटिव प्रोनाउन, नंबर थ्री इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नंबर फोर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और नंबर फाइव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिलेटिव, नंबर फोर कौन सा था? रिलेटिव, और नंबर फाइव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये फाइव टाइप के प्रोनाउन हो गए। तो सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल, पर्सन का मतलब व्यक्ति, मतलब कि हमारा खुद का सेल्फ का, व्यक्ति, व्यक्ति से मतलब होता है व्यक्तिगत। प्रोनाउन कौन सा होता है? ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन किया जाए, वो कौन सा प्रोनाउन होता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अंडरस्टैंड? अब इसमें बात आती है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन सा होता है, सेकेंड का कौन सा होता है, थर्ड का कौन सा होता है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है हमारा आई और वी। कौन कौन सा? आई और वी। आई भी होता है फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का होता है यू, थर्ड पर्सन का होता है ही सी इट और दे। कौन से? थर्ड पर्सन के हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब हम आता है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को कैसे कैसे, कि फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव डिग्री क्या होती है, पजेसिव डिग्री क्या होती है, सेकंड की ऑब्जेक्टिव पजेसिव क्या होती है और थर्ड की कौन कौन सी होती हैं जिनका हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। तो आई की जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी वो होगी माई, और ऑब्जेक्टिव होगी हमारी मी। और ऐसे ही वी होता है वी, वी की पॉजिटिव डिग्री होती है हमारी कौन सी होती है? ओवर, ओवर्स, ओवर और ओवर्स। और ऑब्जेक्टिव होती है हमारी अस, किसकी? वी की। अब बात आती है हमारी जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए आई, माई, माइन और मी, बी, ओवर, ओवर्स और अस, यानी नॉमिनेटिव, उसके बाद पॉजेसिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो मतलब ये ध्यान रखेंगे, पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आएंगे आई और वी, आई से बनने वाला माई और मी, वी से बनने वाला ओवर, ओवर्स या अस, हमारा ये प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा होता है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है, अकेला यू, और यू, यू से बनने वाला पजेसिव डिग्री होती है योर्स, और ऑब्जेक्टिव होती है यू। चाहे यू, यू, योर कह लो, योर्स,
तो हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होगी, लेकिन जो नियम अनुसार है वो यू आएगा, उसके बाद योर्स आएगा पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव हमारा आएगा यू, आएगा नहीं आएगा? ऐसे कभी कभी एक वर्ड आता है दाओ, टी एच ओ यू दाओ, इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है टी एच वाई और टी एच आई एनी थाइन धाई और थाइन, और इसके ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टी एच डबल थाई, हो जाएगा नहीं? तो इन डिग्रियों का हमारा यहाँ यूज़ किया जाता है, इन प्रोनाउन का इस तरह से यहाँ यूज़ किया जाता है। अब आती है बात थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं? तो ही सी इट और दी, कौन कौन से? ही सी इट और दी, लर्न करेंगे सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, ही सी इट और दी, कौन से पर्सन के प्रोनाउन होते हैं? थर्ड पर्सन के होते हैं। तो इनके जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है वो कौन सी होती है? हिज हर इट देयर देयर्स हिम हर इट और देम। तो ही से बनने वाला जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी ही से, हिज हिज होगी ना, हिज होगी केवल ओनली, और सी से बनने वाली हर एच ई आर हर, और हर्स भी होती है कहीं कहीं हर एच ई आर एस, ठीक है ना, और इट से बनने वाली इट्स होती है, दे से बनने वाली देयर और देयर्स होती है, देयर और देयर्स, ऐसी ऑब्जेक्टिव डिग्रियाँ होती हैं। ही से बनने वाली हेम होती है, सी से बनने वाली हर होती है, इट से इट रहता है, और दे का तैम होता है। तो इस तरह से हमारी हो गई, कौन कौन सी क्या तरह के प्रोनाउन हो गए हमारे? तीन पर्सन हो गए, थर्ड फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई वी, सेकेंड का यू, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही सी इट और दे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। अंडरस्टैंड? सभी समझ गए होंगे इस बात को, इतना समझ में आ गया होगा सबको कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो आई से बनेगा, वी से बनेगा, यू से बनेगा, ही से, इट दे से बनेगा, या माई माइन आवर आवर्स यू योर योर्स ही सी इट ही हिज हर देयर देयर्स हिम हर इट देम, ये जितने ये जो प्रोनाउन हैं इनसे अगर कोई सेंटेंस बनता है और आपसे प्रोनाउन पूछा जाता है तो कौन सा प्रोनाउन होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद डोमिस्टेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन डेट पॉइंट टू सम नाउन्स, ऐसा प्रोनाउन जिसमें कोई चीज़ का कोई पॉइंट हो, जिसमें कुछ नाउन के बारे में पूछा जाए, वो क्या होगा हमारा? संकेत कोई किया जाए, कोई पॉइंट नोट किया जाए, पॉइंट दिस इज द पॉइंट, कोई पॉइंट नोट किया जाए तो कौन सा होगा हमारा? वो डोमिस्टेटिव प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल जैसे दोज आर आवर टीचर्स, तो दोज कैसा प्रोनाउन हो गया हमारा? डोमिस्टेटिव प्रोनाउन हो गया दोज। और दिस इज अ स्केल, ये भी हमारा कैसा है? डोमिस्टेटिव प्रोनाउन है। डैट इज अ नाइफ, दीज आर क्रिकेट प्लेयर, तो जिनमें जिसमें दीज दोज दिस डैट, यदि ऐसे कोई प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो कौन सा प्रोनाउन होता है हमारा? डीमोस्टेटिव प्रोनाउन। स्पेलिंग लर्न कर लेना, डी ई एम ओ एस एन एस टी आर ए टी आई वी ई, लर्न करेंगे ध्यान से, डी ई एम ओ एस एन एस टी आर ए टी आई वी ई। डोमोनिस्टिव प्रोनाउन, पी आर ओ एन ओ यू एन। अंडरस्टैंड? सभी समझ गए होंगे? तो जिसमें कौन कौन सा प्रोनाउन आए, दीज और दोज दिस दैट, दीज दोज दिस दैट का जहाँ यूज होगा वो हमारा डोमिनेटिव प्रोनाउन होगा, और जिसमें ही सी इट आई यू वी दे का यूज होगा वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक प्रोनाउन। प्रश्नवाचक का मतलब है जिसमें इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ हो। द वर्ड डैट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, द वर्ड डैट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए, तो ऐसे प्रोनाउन क्या कहते हैं हम? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। दैट वर्ड वेयर वर्ड डैट इज यूज ऑफ आस्क क्वेश्चन, जिसके बारे में कोई ना कोई प्रश्न किया जा रहा है तो हमारा क्या होगा? वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसके लास्ट में सबसे बड़ी पहचान यह है, इसके लास्ट में क्या होगा, इसका और रिलेटिव प्रोनाउन का थोड़ा संबंध है, लेकिन वर्ड उसके बीच में होते हैं और इसके स्टार्टिंग में होते हैं। दूसरी बात, इसके अगले इंट्रोगेटिव मार्क होता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन के अगले कोई क्वेश्चन मार्क
नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे बस, बाकी तो सब ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम बताते हैं इसमें, जैसे हमने लिया विच इज़ माई बुक, कि मेरी विच कौन सी है मेरी किताब, हु इज़ योर ब्रदर कौन है आपका भाई, हुज पेन वाज लॉस्ट किसका पेन खो गया, व्हाट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ आपके जीवन का मेन उद्देश्य क्या है। तो ये जो क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और इंट्रोगेटिव मार्क होता है तो हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है, हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वेरी इजी है। इंट्रोगेटिव डिमिनिटिव में मैंने बताया कि दिस दैट दिस दोज, और पर्सनल में हमने बताया वही ही सी इट आई यू वी दे, बताया ना, इनको हम लर्न कर लेंगे। और नेम, ये सब हमारे क्या होगा, दो प्रोनाउन, सम अंडरस्टैंड तीनों समझ में आ गए होंगे, हमारे तीन प्रोनाउन बताए। अब नंबर फोर आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें कोई ना कोई किसी का संबंध हो। इज वन दैट लिंकेड टू द नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर इट आल्सो ज्वाइन टू सेंटेंस, जिनमें दो सेंटेंस हो, कितने सेंटेंस हो, दो सेंटेंसों को जिसमें जोड़ा जाए और कोई ना कोई उनका उद्देश्य हो, तो उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव रिलेटिव मतलब किसी ना कोई रिलेटिव निकालें, रिश्तेदारी, कोई ना कोई आपस का संबंध निकले, उनके संबंध हो तो उन्हें क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एज एग्जाम्पल के लिए, वेयर इज द पेन विच आई गेव यू, कह रहे वेयर इज द पेन, पेन कहाँ है, बीच में जो कि आई गेव यू, जो मैंने दिया, या जो कि आएगा, लेकिन कब आएगा, बीच में आएगा, किसके, दोनों वाक्यों के बीच में हमने वो जोड़ दिया, बीच इज द पेन, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई गेव यू दूसरा सेंटेंस है, बीच में फिलअप है, इसमें आपको प्रोनाउंस फिल करना है, तो क्या आएगा, विच, क्या आएगा, विच, किसी व्यक्ति के लिए ज़्यादातर क्या आता है, हु आता है, किसी जगह के लिए आता है वेयर आता है, किसी जगह पैलेस के लिए वेयर आता है, किसी व्यक्ति के लिए हु आता है, ठीक है, कोई थिंग, कोई वस्तु, कोई किसी प्राणी, उसके लिए वो है, कोई ऐसी चीज़ होगी तो दैट आ सकता है, ठीक है। तो वेयर इज़ द पेन विच आई गेव यू, दैट इज़ द मैन हु स्टूल माई वाच, ये वह आदमी है जो, या जिसने स्टूल माई वाच, मेरी घड़ी चुराई थी, द मैन हु लव हिज फैलो इज लव्ड बाई आल, ये वह आदमी है हु लव, जो प्रेम करता है, हिज फॉलोअर इज लव्ड बाई आल, और सब लोग इससे प्रेम करते हैं। तो आगे तुम नहीं सभी समझ रहे होंगे, तो कौन कौन शब्द आते हैं यूज़, हम विच लगा सकते हैं किसके लिए, किसी निर्जीव चीज़ के लिए लगा सकते हैं, और डेट का यूज़ भी कर सकते हैं, कहीं कोई थिंग हो, वस्तु हो, कोई ऐसी, उसके लिए, और डेट इज़ द मैन बाय आदमी हु, किसी व्यक्ति के लिए ज़्यादातर हु का प्रयोग करते हैं, हु, डब्ल्यू एच हु, और हुज, द मैन हु लव्स हिज फेलो इज लव्ड बाई आल, लेकिन व्यक्ति है इसलिए क्या लगाएंगे, हु, दिस इज़ द हाउस, ये घर है, वेयर लगाते हैं, जहाँ किसी जगह, किसी पैलेस के लिए, किसका यूज़ करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं, वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर का यूज करते हैं किसी उसके लिए, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद लास्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें बहुत ईजी है, इसमें सेल्फ शब्द और जुड़ जाता है, कोई भी अगर हमारा सेंटेंस है, अगर उसके अगले सेल्फ शब्द, क्यों, एक्शन वाला सेंटेंस होता है, एक्शन होता है, वैन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्स अपॉन इट सेल्फ, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें कोई सब्जेक्ट के बाद में लास्ट में कोई प्रोनाउन लगा है तो उसके अगले क्या कर देंगे, सेल्फ का यूज कर देंगे, तो ये क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। दे आर फॉर्मेड बाई ज्वाइनिंग सेल्फ या सेल्फ्स टू सम पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन वाले शब्दों को, पर्सनल प्रोनाउन वाले वर्डों को, शब्दों को, वर्ड्स को अगले हम सेल्फ जोड़ देते हैं, जैसे इट है तो इट सेल्फ, योर है तो योर सेल्फ, हिम है तो हिम सेल्फ, माई है तो माई सेल्फ, लेकिन ये सिंगुलर है, प्लूलर अगर होगा, योर होगा योर, अगर सेल्फ का यूज करेंगे प्लूलर में तो एफ हटा देंगे, एस सी एल वी ई एस लगा देंगे, एफ हटाकर वी ई एस का यूज़ करते हैं, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, तो इनका हम यूज करते हैं, ये लर्न रखेंगे कि एफ हटाने के बाद वी ई एस का यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड, इट सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, इनका हम यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, अगले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या लगाएंगे, एक्शन होता है, सेल्फ वर्ड से ये हमारा जुड़ जाता है, सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ, योर है तो योर सेल्फ, इस तरह से इसे हम बना लेते हैं। एज ए एग्जाम्पल, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, आई के साथ क्या यूज आया, माई, आई के साथ माई आया, ये काम किसने किया, मैंने किया, तो माई सेल्फ, स्वयं मैंने किया ये वर्क, किसने किया है, स्वयं मैंने किया है, तो माई सेल्फ आ गया।
गीता कंप्लीट होमवर्क, गीता ने अपना कार्य किया, कैसे किया, हर हर माने स्वयं, लाइक हर सेल्फ, अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे सभी, थैंक यू।